गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना का अधिकारी लगा रहे कलिता। मामला गाजीपुर से जुड़ा है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त की धनराशि नहीं मिलने से गरीबों के घर अधूरे पड़े हैं। या तो धनराशि पात्र के खाते के बदले दूसरे के खाते में चली जा रही है, या तो भेजी ही नहीं गई। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम आवास के तहत गरीबों का घर कब बनकर तैयार होगा। ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां देवकली ब्लॉक के बरपुर गांव के बस्ती का है, जहां अशोक पुत्र कल्पनाथ का पीएम आवास विगत एक साल से अधूरा पड़ा है। पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे अशोक ने बताया कि पहली किस्त अशोक पुत्र कल्पनाथ के बदले अशोक पुत्र नारायण के खाते में भेज दी गई थी। उस किस्त को ग्राम प्रधान विजय कुमार सिंह के माध्यम से उक्त व्यक्ति से दिलवाया गया, परंतु दूसरी किस्त भी उसी के खाते में डाल दी गई, जो कि अब वह देने से इनकार कर रहा है। पहले की गलती में प्रथम किस्त 40,000 की भेजी गई थी, जिसकी शिकायत कर धनराशि पात्र को ग्राम प्रधान के माध्यम से दिलवाया गया और इसकी शिकायत वीडियो से भी की गई। वीडियो ने आश्वासन दिया कि दूसरी किस्त समय से पात्र के खाते में भेजी जाएगी, परंतु दूसरी किस्त पहली किस्त की तरह ही दूसरे के खाते में भेज दी गई। पात्र अशोक 3 महीनों से अधूरे पड़े आवास की किस्त को पाने के लिए अधिकारियों और उक्त व्यक्ति का चक्कर लगा रहा है, जिसके चलते आवास के निर्माण को पलिता लग रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए 1,20,000 की धनराशि भेजी जाती है, जिसमें आवास का छत समेत कार्यों को पूरा करना होता है। सर, हमारा 50 अशोक कुमार। क्या है मामला? मामला सर यही है कि वो 40,000 आया था, तो दूसरे को खाता में कुछ दिए अशोक, वो तो फिर 70,000 सर भी उनके खाता में आया, दे नहीं रहे। इनका मामला सर ये है कि इनकी पहले किस्त जो है इन्हीं के नाम से आवास आया है, प्रधानमंत्री आवास, तो उसमें मानवीय चूक की वजह से इनका भी नाम अशोक है और जिसके खाते में गया था उसका भी नाम अशोक है, लेकिन पिता का नाम जो है डिफरेंट है। इनके पिता का नाम कल्पनाथ है और उनके पिता का नाम नारायण। पहली किस्त तो हम लोग दिलवा दिए वीडियो साहब से मिल करके, दूसरी किस्त फिर 70,000 रुपये जो है उसी खाते में चली गई, अशोक पुत्र नारायण खाते में। और यह लड़का 3 महीने से दौड़ रहा है, आधा इसका मकान बन गया है, और वीडियो साहब से भी हम मिले थे। वीडियो साहब ने भी जो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई किए हैं, वो मतलब अभी आना का नहीं कर रहा है, कह रहा है कि दे देंगे।